हेलो फूडीज, वेलकम टू रसोई का स्वाद। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ना भूलें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि हमारी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आज हम आपके लिए बहुत ही सिंपल सी एक थाली लेकर के आए हैं जिसमें हमने दाल फ्राई बनाया है, भिंडी की सूखी सब्जी बनाई है और आलू परवल की सूखी सब्जी है। आइए चलिए हम शुरुआत करते हैं दाल बनाने से। दाल मैंने अरहर की बनाई है। अरहर की दाल को मैंने आधा घंटा पहले धो करके भिंगा दिया था, इसका पानी निकाल करके इसके बाद मैंने इसको कुकर में चढ़ा दिया है प्रेशर लगाने के लिए, पकने के लिए। इसमें करीब 1 से 1.5 गिलास पानी डालेंगे और इसमें आधा चम्मच हल्दी और थोड़ा नमक स्वाद के अनुसार डाल करके हम प्रेशर लगा देंगे कम से कम 4 से 5 सीटी तक। आइए अब भिंडी बनाते हैं। भिंडी के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ाई है। कढ़ाई में हमने 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाला है। सरसों का तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए इसमें थोड़ी सी मेथी और थोड़ी सी हींग डालेंगे। हींग डालने के बाद मैंने एक प्याज, टमाटर और लहसुन थोड़े से लेकर के उसको पिस लिया था और उसके बाद इसको इस तेल में डाल दिया है। इसी में अब हम 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे और धीमी आंच पे थोड़ा सा इसको भून लेंगे। भिंडी मैंने धो करके मीडियम साइज में काट ली थी, बहुत छोटी भी नहीं और बहुत बड़ी भी नहीं, मीडियम साइज में काट ली थी। जब ये भुन जाएगा अच्छी तरीके से मसाला, तब हम उसमें इस भिंडी को डाल देंगे। देखिए ये मीडियम साइज की भिंडी है, इसको हम इसको धो करके इसमें काट करके डाल देंगे। भिंडी काटने से पहले हमेशा ध्यान रखें कि आप जब भी भिंडी काटें तो आप उसके पहले उसको जब धोएंगे तो धोने के बाद कम से कम 1/2 घंटे या 1 घंटे के लिए रख दीजिए जिससे उसका पानी अच्छी तरीके से सूख जाए। जब आप इस तरह से भिंडी काटेंगे तो आपकी भिंडी कभी भी चिपचिप नहीं करेगी और उसमें लस नहीं आएगा और बहुत खिली खिली सी बनेगी। जब भिंडी थोड़ी सी पकने लग जाए तब हम इसमें थोड़ा सा नमक, गरम मसाला डाल देंगे और इसके बाद फिर से इसको हल्का सा भुनेंगे और इसको ढक करके पकाएंगे। टाइम टाइम पे आप जब इस भिंडी को करेंगे तो इसको भूनते हुए जाएंगे और आंच बिल्कुल मीडियम रखेंगे जिससे कि हमारी भिंडी अच्छी तरीके से पक जाए। हमारी भिंडी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे जिससे कि एक और अच्छा कलर आ जाएगा और बस इसको एक हल्का सा स्टर देंगे और हमारी भिंडी तैयार है। आइए अब हम आलू परवल की सब्जी बनाते हैं। आलू परवल की सब्जी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैंने 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाला है। सब्जियां अगर आप सरसों के तेल में बनाते हैं तो उसका स्वाद कुछ और ही अच्छा आता है, उसमें सोंधापन सा आ जाता है। सरसों का तेल अच्छी तरीके से जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें थोड़ी सी मेथी और थोड़ी सी हींग डाल देंगे। ये मैंने परवल लिया है और प्याज लिया है। इसमें मैंने करीब 6 से 7 परवल थे और 3 से 4 बड़ी प्याज थी। दोनों को एक साथ काट करके अच्छी तरीके से एक ही तरह से काटा है। लंबे ही प्याज भी काटे हैं और लंबी ही परवल को भी काटा है। दोनों चीज़ों को काटने के बाद थोड़ी सी तेज आंच करके हम इसको अच्छी तरीके से पहले फ्राई कर लेंगे। जब इसमें एक अच्छा गोल्डन कलर आ जाएगा तब हम इसमें और बाकी की चीज़ें डालेंगे। देखिए इसमें एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब इस कलर जब ये गोल्डन कलर का हो जाएगा तब मैंने इसमें 6 से 7 लहसुन की कलियां ली थी, उनको बारीक काट लिया है और आलू को भी लंबा लंबा काट लिया है। 2 आलू लिए थे, इनको काट लिया है और इसको अब हम इसमें डाल देंगे फ्राई किए हुए प्याज और परवल में। इसके बाद हम इसमें हल्दी, नमक और धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल करके अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको अब हम ढक करके पकाएंगे जिससे कि सारे मसाले और आलू सब चीज़ें अच्छे तरीके से कंबाइन हो जाए और पक जाए। अब इस टाइम हम अपनी आंच को बिल्कुल धीमा कर देंगे और टाइम टाइम पे इसको चलाते रहेंगे। थोड़ी देर में ये सब्जी बिल्कुल पक करके तैयार हो जाएगी। देखिए ये सब्जी अब काफ़ी कुछ पक के तैयार हो गई है। हम दबा के एक बार देख लेंगे हमारे आलू अच्छी तरह से गल गए हैं कि नहीं, क्योंकि जब हम परवल को फ्राई कर रहे थे तभी वो काफ़ी कुछ पक गए थे प्याज के साथ। देखिए आलू हमारे पक चुके हैं और हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार होने वाली है। अब हम इसमें थोड़ा 1/2 चम्मच के करीब गर्म मसाला और 1/2 चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से चला करके 5 मिनट के लिए और ढक देंगे। लीजिए हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है। थोड़ी सी धनिया की पत्ती इसमें डालिए और अब अपने सर्विंग बोल में इसको निकाल लीजिए। हमारी सब्जी बिल्कुल बन करके तैयार हो चुकी है।
ये सब्जी खाने में बहुत अच्छी लगती है और बहुत झटपट तैयार हो जाती है और स्वाद तो बहुत ही अच्छा होता है। दाल चावल रोटी इनके साथ ये सब्जी बहुत अच्छी जाती है। आइए अब हम अपनी दाल फ्राई कर लेते हैं। दाल फ्राई करने के लिए हमारी दाल पक के तैयार हो चुकी है। एक पैन लिया है, पैन में एक चम्मच हमने सरसों का तेल डाला है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसकी जगह देशी घी का भी यूज कर सकते हैं। सरसों का तेल जब अच्छी तरीके से गर्म हो गया तब हमने इसमें थोड़ी सी हींग डाल दी है, दो हरी मिर्च काट करके डाल दी है। हरी मिर्च की जगह ये लाल मिर्च हो गई है, हरी मिर्च काट करके डाल देंगे। एक प्याज लिया था, उसको बारीक चॉप कर लिया है, उसको भी इसमें डाल दिया है। और प्याज को अच्छी तरह से जब वो फ्राई हो जाए, थोड़ा गुलाबी कलर का हो जाए, तब हम उसमें बारीक कटा हुआ एक टमाटर डाल देंगे, उसको भी अच्छी तरीके से पकने देंगे। दाल में हम नमक डाल चुके हैं, सिर्फ प्याज और टमाटर को अच्छी तरह से भुनने के लिए हम थोड़ा सा नमक इसमें और डाल देंगे। सारी चीजें अच्छी तरह से भुन चुकी हैं, हमारी दाल पक चुकी थी। इस दाल को अब हम इस भुने हुए प्याज और टमाटर में डाल देंगे और एक बॉईल आने तक इसको पकने देंगे। बस ये दाल हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और हमारी दाल बिल्कुल तैयार है अपने सर्विंग बोल में निकालने के लिए। देखिए झटपट से ये दाल बिल्कुल फ्राई हो गई और ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल दाल रखती है। अब हम इसके लिए एक और छौंक बना लेंगे, वो मैंने घी और जीरे का बनाया है। ये देखिए, ये मैंने लिया था देशी घी, इसमें थोड़ा सा जीरा डाला है, उसको अच्छी तरीके से पका लिया है जीरे को ब्राउन होने तक, और उसके बाद हम इसको दाल के ऊपर डालेंगे।